हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 18 फोर सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 टॉपिक है लॉगरिथम। इजी वे में हम क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं लॉगरिथम की, लॉग बी, बेस आपको गिवन है ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग ए, बेस हो जाएगा बी। मतलब जब हम किसी का रेसिप्रोकल लेते हैं लॉगरिथम में तो मेन वैल्यू बेस में आ जाती है और बेस में जो वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। और इससे रिलेटेड हम कई क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कर दोगे। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये अपॉन में था, ये ऊपर चला जाएगा तो बेस हो जाएगा ए बी और मेन वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी ए में, दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह से इसमें भी बेस हो जाएगा ए बी, मैन वैल्यू बेस में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा बी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी, ठीक है। अब जैसे मान लो इधर बेस ई है, इधर बेस ई है तो ये भी ई रहेगा, बेस दोनों का सेम होना चाहिए तो ही जो है ये प्रॉपर्टी यूज में आएगी। तो इस कंडीशन में हम जो है बेस तो ए बी है तो फर्स्ट वैल्यू ए इंटू बी, ए इंटू बी और बेस भी ए बी है, मैन वैल्यू और बेस यदि सेम है तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा आपके सामने, एक आ जाएगा। आप जानते हो लॉग ई बेस पर ई की वैल्यू एक होती है, लॉग टू बेस पर टू की वैल्यू एक होती है, लॉग टेन बेस पर टेन की वैल्यू भी कितनी होती है, एक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन हमने किया है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, 1 अपॉन लॉग टी, बेस ए दे रखा है, 1 अपॉन लॉग टी, बेस बी दे रखा है, थर्ड वैल्यू में 1 अपॉन लॉग टी, बेस सी दे रखा है और आरएचएस में वैल्यू आपके सामने है 1 अपॉन लॉग टी, बेस दे रखा है जेड, तो जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये ऊपर जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जेड की वैल्यू आ जाएगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी एबीसी और राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी जेड, तो आप इजीली देख के चेक कर सकते हो कि जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एबीसी, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये प्रैक्टिस की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ हमने इसको सोल्व कैसे किया। ये हो जाएगा लॉग ए, बेस हो जाएगा टी, जब ये मोनोपोन में था तो वैल्यू ऊपर जाते ही जो है बेस और मैन वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बी, बेस हो जाएगा टी और ये हो जाएगा लॉग सी, बेस हो जाएगा टी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लॉग जेड, बेस हो जाएगा टी। ओके, तो फॉर्मूला अगेन बता देता हूँ, लॉग बी की वैल्यू बेस ए पर दे रखी है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ए, बेस हो जाएगा बी, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ये मेन फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। ओके, और ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से जेड की वैल्यू फाइंड करके बताई थी, आप इजीली समझ जाओगे कि मैंने ये वैल्यू कैसे फाइंड करी। प्रैक्टिस आपको होगी तो आपको ये क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बेस सबका टी है तो ये आ जाएगा लॉग टी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी और यहाँ पर सामने वैल्यू आ जाएगी लॉग जेड, बेस दोनों का है टी है, जब दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, ए बी सी। ओके, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो और मैं मानता हूँ कि आपकी यदि प्रैक्टिस है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। एक इसमें जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है उसको और बताया था, लॉग ए प्लस लॉग बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी। ओके, बेस हमारा यदि दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, टू है तो टू आ जाएगा और यदि टी है तो ये कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड में बेस कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो इस तरह से लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए बी, इस प्रॉपर्टी का हमने क्या है इसमें यूज किया है, तो जेड की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 82 को भी इजी वे में करते हैं। देखो जब हमको दे रखा है एल 1 प्लस लॉग बी सी, बेस इसमें ए दे रखा है, इसमें बी दे रखा है, इसमें सी दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 और 1 माइनस 1, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में हम क्वेश्चन 82 का करेंगे और ये 82 का क्वेश्चन ऐसे है,
जो हमने 66 का क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसके एक पार्ट को मैं सोल्व करके आपको बता देता हूँ, फिर बाकी जो है m और n बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, l आपको गिवन है, यहाँ पर बेस a ले रखा है और यहाँ पर bc है। 1 को मैं लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ लॉग की वैल्यू में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेस a है तो इसकी कॉपी करते हुए मैं यहाँ पर बेस a ले लूँगा और मैन वैल्यू भी a ले लूँगा, ताकि मैन वैल्यू और लॉग यदि का मैन वैल्यू और बेस यदि सेम है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 और प्लस लॉग ए बी सी। ठीक है, तो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग, देखो बेस ए ही है और ये हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन l को मैं क्या लिखूंगा, देखो आपने इसमें दो प्रॉपर्टी लगाई है। पहली प्रॉपर्टी तो ये लगाई है कि 1 यदि है तो बेस और मैन वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो l के लिए 1 को लिख लेंगे लॉग a, बेस भी a, और m के लिए 1 को क्या लिख लेंगे हम, m के लिए यदि हमें ज़रूरत पड़े तो m के लिए हम लिख लेंगे 1 को b बेस पर b मैन वैल्यू। ठीक है ना, ताकि ये दोनों बेस की वजह समान हो जाए, तो m की वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी लॉग, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c और बेस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पर जो यूज लिया है वो प्रॉपर्टी हम हर क्वेश्चन में यूज में लेते आ रहे हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी। ओके, यदि वैल्यू अलग अलग लॉगरिथम में प्लस में है और बेस क्या है सेम है, मान लो इधर ए है इधर ए है तो इधर भी ए ही आ जाएगा, ये हमने प्रॉपर्टी ली। 1/l जो है आपके सामने आ जाएगा 1/n, तो ये दोनों मैंने डायरेक्ट बता दी थी, इनके लिए जो है स्पॉट में मैंने ये फॉर्मूले जो है बॉक्स में लिख दिए, आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। इसको 1/ मैं लिख सकता हूँ 1/ log ए बी सी बेस आ जाएगा a, तो 1/l को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ए बी सी तो बेस में आ जाएगा और a आ जाएगी मैन वैल्यू। तो यहाँ पर जो स्पॉट में जो फॉर्मूला है वो ये है log ये थोड़ी सी जगह कम पड़ती है तो मैं एक बार इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। log b बेस a दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ log a बेस b। देखो यहाँ पर बेस a था, b मैन वैल्यू थी, तो यहाँ पर बेस b हो जाएगा a मैन वैल्यू हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर स्पॉट में जो है मैंने फॉर्मूला जो यूज में हमने लिया है वो मैंने बॉक्स में लिख दिया है, तो ये आ जाएगा लॉग ए बेस आ जाएगा ए बी सी। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर बेस बी था इसमें ए था, तो 1/m की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी लॉग ए बी सी बेस में आ जाएगा और बी जो है मैन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से 1/n की वैल्यू जब आएगी हमारे सामने आ जाएगी लॉग ए बी सी बेस पर सी। इस तरह से हम 1/l 1/m 1/n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने m की इतनी वैल्यू तो निकाल ली है, तो 1/m को हम लिख सकते हैं log b बेस आ जाएगा ए बी सी, देन 1/m ये आ जाएगा log, हाँ ये वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ 1/ log, एक स्टेप अच्छे से लिख देता हूँ ज़्यादा, ताकि आपको समझ में आ जाएगी, और ये ए बी सी आ जाएगा बेस में और बी आ जाएगा मैन वैल्यू। जब मैं इसको इंटरचेंज करूँगा, ये जो है अपॉन में है ऊपर जाएगा तो ए बी सी बेस में आ जाएगा और बी आ जाएगा मैन वैल्यू में। तो यही कंसेप्ट जो है हमने एन के साथ लगाया है, यहाँ पर बेस क्या था सी था इसलिए सी मैन आ गया। आप देखिए, आप डायरेक्ट आप देखें हम कैसे इसको कर सकते हैं, देखो ए था बेस में तो ए यहाँ पर आ जाएगा और ए बी सी जो है वो नीचे आ जाएगा, इधर बेस में क्या था बी तो ऊपर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा ए बी सी बेस में आ जाएगा, इधर क्या था सी तो इधर क्या आ जाएगा सी और ए बी सी क्या आ जाएगा बेस में आ जाएगा। अब हम इन तीनों को इस वैल्यू में रखते हैं, इसमें 1/l प्लस 1/m प्लस 1/n की जगह जब हम ये रखते हैं तो ये आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c माइनस 1। ये बेस ए बी सी है, इसका बेस भी ए बी सी है और इसका बेस भी कितना है ए बी सी, तो बेस तो इनका ए बी सी रहेगा। अब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी माइनस 1, बेस और मैन वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 और 1 माइनस 1 हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा 0, इसलिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर आपके सामने आता है वो आ जाता है 0। तो इस तरह से आप
यदि प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसको सोल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि वन की जगह यदि यहाँ पर ए है तो लॉग ए लिखूंगा मैं, बेस बी इसका क्या मानूंगा, ए मानूंगा। इधर जो बी है तो इधर क्या लिखूंगा, लॉग बी, बेस बी क्या मानूंगा, बी। और इधर वन है तो इधर आता है लॉग सी, और बेस भी क्या मानता हूँ, सी। तो ये लॉजिक है ताकि हम जो है इसको इजी वे में और ए की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। ये दो अलग अलग वैल्यू थी, इसको मैंने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लॉगरिथम से रिलेटेड मेरे काफ़ी वीडियो मैंने अभी बनाए हैं, इससे पहले भी बनाए हैं, उनको आप अच्छा समझें। आपको कन्फ्यूजन तभी हो सकता है जब आपको ये पता नहीं चले कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सी प्रॉपर्टी जो हम लॉग की यूज में लेंगे। तो लगभग लोग एक जैसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से जो है ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आप जल्दी जो है इन क्वेश्चन को करने लगोगे। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।